हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इससे आपको दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें। तो सबसे पहले तो अगर आपके सप्लीमेंट्री प्राप्त हुई है कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में या अन्य किसी भी विषय में, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास में जो भी पेपर आता है उसको आप 3 हिस्सों में बांट लें। कितने हिस्सों में? 1, 2 और 3 हिस्सों में पूरे पेपर को बांट लें। और पूरे पेपर में से आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले पेपर का वो हिस्सा हल करना है जिसमें कि लगभग आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद है। यानी कि सबसे पहले आपको पेपर के वो क्वेश्चन हल करने हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं, और इसके बाद में जिनके उत्तर कम कम आते हैं उनको आपको इसके बाद में लेना है। यानी कि आपको पहले वो क्वेश्चन लिखने हैं जिनके उत्तर आपको अच्छे से आते हैं, इसके बाद में वो क्वेश्चन लिखने हैं जिनके ही उत्तर आपको कम कम आते हैं, और इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, इनको चाहे आपको कैसे लिख के आना पर लिख कर ज़रूर आना है, तभी आप दोस्तों पास हो पाओगे। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ के भी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं उनका ही उत्तर लिख के आते हैं, तो इस वजह से उनके कभी कभी नंबर भी कम आते हैं और कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करें, प्रयास करें। सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे लें जो कि आपको बिल्कुल सरल आते हैं, इसके बाद में उन प्रश्नों के उत्तर दे लें जो कि आपको थोड़े कठिन लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों पूरा पेपर हल करने को इस प्रकार से मिल जाएगा, और आपको इस प्रकार से पूरा हल पेपर भी आपका हो जाएगा। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका पेपर क्या आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हल सहित बताने वाला हूँ, तो इसलिए पूरा पेपर पढ़कर आप जरूर जाइएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, यही के एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर पार्ट एक की बात की जाए तो पार्ट एक में से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। जैसे ठोस की अपेक्षा द्रव्य के मिश्रण की दर क्या होती है, इसके अलावा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। संलग्नी की प्रसुप्त अवस्था किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देखते चले, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए आप सभी लोग इनका उत्तर जरूर अच्छे से तैयार कर लें, और उसी के अलावा ये दो क्वेश्चन समझने के बाद में और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, निक्षेपण किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये भी आपको समझना है। तो ये आप लोग इनको देख लें, और उसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूँ जैसे कि आसवन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप यहाँ से देखते चले और इनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। और उसी के अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं, तो आप लोग इसको भी देख लें। और इसके अलावा खासकर ये जो अंतर है धातु एवं अधातु में अंतर, इस क्वेश्चन को जरूर बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को भी यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आप देख सकते हो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन के गुण दिए गए हैं और ये रासायनिक परिवर्तन के गुण दिए गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लें। और उसी के अलावा आप आगे देखें तो तत्व और यौगिक में अंतर, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तत्व और यौगिक में क्या अंतर होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। व इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ से याद कर लेंगे इसको अच्छे से। और इसके अलावा मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर याद कर लें। क्या लिखा है यहाँ से आप देख सकते हो,
मिश्रण और यौगिक मंत्र तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्वों को विभाजित करके कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। यौगिकों को विभाजित कोई नया तत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इनको याद कर लेंगे यहाँ से। और इसी के अलावा अगला अध्याय आ जाता है आपका अध्याय तीन की बात। तो अध्याय तीन में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित आपको बताना है, तो ये भी आप यहाँ से कर लेंगे। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आपको और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे अगर यहाँ से देखें तो इन सूत्रों को आप यहाँ से याद कर सकते हो। और उसी के अलावा अध्याय चार की अगर बात की जाए तो अध्याय चार में से आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियाँ, तो इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा। और उसी के अलावा यहाँ से आप देख सकते हो संयोजकता किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिएगा। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो समस्तांग किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और अगला संवारिक किसे कहते हैं, ये वाला भी आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। और इसी के अलावा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये जरूर दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको याद कर लें क्योंकि ये बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कम से कम आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और आप लोग याद भी इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आगे अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो समस्थानिक के तीन अनुप्रयोग आपको बताने हैं। और उसी के अलावा आगे ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद नहीं करने हैं, पर यहाँ से आपको समस्थानिक और संवारिक मंत्र जरूर आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को व्यक्त आपको करना है, तो ये वाला आप देख लें। संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की संयोजकता को लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन है एक। और उसी के अलावा आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, इसको भी आप देख लें। और उसी के अलावा समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप, तो इसको भी आप याद कर लें। और एक इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको जरूर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा तीन कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, तो ये वाला भी आप याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा और आगे देखा जाए तो आगे अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, तो आगे से आपको यहाँ से तो और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि ये वाला हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है ये आपको याद करना है। और इसके अलावा रेखी पेशी, आरेखी पेशी तथा कार्डियक पेशी आपको यहाँ से ये याद कर लेना है। और उसी के अलावा ऊतक किसे कहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेना, बिल्कुल आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो। और उसी के अलावा न्यूरॉन का चित्र बनाने को पूछा गया, तो न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के आप यहाँ से बता सकते हो। और उसी के अलावा आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप अच्छे से याद कर ले। आर एच विटिकर के पाँच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो आगे देखते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाले क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो संघ एनिलिडा तथा ऑर्थोपेडा के दो विभेदात्मक उत्तर आपको लिखना है, तो ये वाला आप यहाँ से कर सकते हो। और उसी के अलावा दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ, तो औसत चाल किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि औसत चाल किसे कहा जाता है। और उसी के अलावा एक समान गति किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और असमान गति किसे कहते हैं, इसको भी आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। और इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो ये कुछ सवाल है, और ख़ासकर चाल और दूरी में, चाल और वेग में अंतर आपको याद करना है और दूरी और विस्थापन में अंतर याद करना है। तो आप सभी लोग कम से कम इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपसे। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आगे और आपको क्या करना है। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को। और इसी के अलावा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसी के अलावा यहाँ से आप देख पा रहे हो गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है ये आपको लिखना है। और उसी के अलावा आगे मैं आपको बता देता हूँ मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको नोट कीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा यहाँ से आप देख पा रहे हो द्रव्यमान और भार में अंतर, तो इस प्रकार से आगे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से, तो ज़्यादा तो कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं और क्या क्या है इसमें से। तो यहाँ से अगर देखें तो संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा।
और रोग फैलने के 3 कारण, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये कुल क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।